नगर पुलिस स्टेशन की हद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें नौकर नहीं मालकिन को फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे लगातार धमकियां दे रहा था, जिसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में करते ही आरोपी नौकर राहुल को शांतिनगर पुलिस ने धर दबोचा। आपको बता दें कि राहुल कई सालों से एक आलू प्याज व्यापारी के यहाँ नौकरी कर रहा था। इस दौरान उसकी मालकिन से अच्छी जान पहचान हो गई और इसी बात का फायदा उठाते हुए प्रेम संबंध रखने से इनकार करने पर उसने तस्वीरें वायरल करने की धमकी दे डाली। आखिरकार यह आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस इससे और भी मामले की जानकारी जुटाने में लग गई है। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में एक आरोपी नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल प्रेम संबंध रखने से इनकार करने पर मालकिन की निकाली अश्लील तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देने वाले इस आरोपी नौकर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि वह कई सालों से कालू प्याज व्यापारी के यहाँ नौकर था। वह मालिक की कार भी चलाता था और इस मालिक की 38 वर्षीय पत्नी को कई बार मायके व रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ने के लिए भी जाता था। इस दौरान उसकी मालकिन से काफी अच्छी जान पहचान हो गई। मालिक काम के सिलसिले में जब भी गांव जाता था तब राहुल घर पर कामकाज के बहाने रुक जाता था। धीरे धीरे उसकी मालकिन से काफी अच्छी दोस्ती हो गई और इस बीच दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। इस दौरान राहुल ने मालकिन की अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए। आपको बता दें कि इस दौरान राहुल को काम से हटा देने के बाद वह मालकिन को बार बार प्रेम संबंध नहीं रखने पर उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा था, जिसकी शिकायत शांतिनगर पुलिस यातील आरोपी राहुल सुरेश हाट्यवार असून तो नारायणपेट इथे राहिलेला आहे आणि तो फिर्यादीच्या इथेच कामाला होता। त्यांचा अद्रक आणि लसणाचा व्यवसाय आहे, त्याच्यामध्ये तो तिथं काम करत होता आणि तिच्याशी लगट करायची प्रयत्न करत होता। तिचा मोबाईल नंबर त्याच्याकडे होता, त्या मोबाईलवर तो प्रयत्न करत होता तिच्याशी बोलायची, ती बोलली नाही म्हणून ती दुकानात जात होती 23 तारखेला। त्यावेळेस तो मागे गेला आणि तिला हात धरून तिला थांबवलं आणि तिला विचारलं की तू का बोलत नाही आणि माझ्याशी बोल असं म्हणून तो जबरदस्ती करत होता आणि तिला परत धमकी दिली जर बोलला नाही तर त्याने तिचे फोटो वगैरे ते मोबाईलमध्ये काढलेले होते आणि ते व्हायरल करेल अशी तिला धमकी दिली। मग तशा तिच्या रिपोर्टवरून गुन्हा दाखल केला, त्याला अटक करण्यात आलेली आहे, कोर्टात हजर केलेलं आहे। नाही जॉबवरून काढलेलं नाही त्याला, तो जॉबवर होताच काम करत होता अजून, आता ते काढतील त्याला। फिलहाल इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी देर तक चलता रहा। पुलिस ने आरोपी नौकर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।